बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर जनसभा की बड़ा संबोधन दिया, साफ तौर से बीजेपी को निशाने पर लिया और ये भी अपील की कि अगर ईमानदार लगे तभी आप लोग हमें वोट करिएगा, लांछन के साथ नहीं जी सकता, इस तरह के और इसके साथ साथ तमाम सारे आरोप जो है बीजेपी पर लगाए। बीजेपी का क्या कहना है? अरे अरविंद केजरीवाल से पूछिए ना, यदि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, शराब बेचने का समय जो रात 10 बजे तक होता था उसको प्रातः 3 बजे तक कर दिया और दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं ली गई, एनओसी नहीं ली गई। अरविंद केजरीवाल ने मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में सैकड़ों शराब के ठेके खोल दिए गए और शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया इस एवज में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, आप सेक्रेटेरिएट में नहीं जा सकते हैं, आप अपने ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, इस पॉलिसी के आने के बाद युवाओं को, महिलाओं को आसानी से शराब सुलभ होगी और दिल्ली की आय बढ़ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को कि इस नई शराब नीति के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ रुपए का घाटा क्यों हुआ? और ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी थी, इतनी अच्छी पॉलिसी थी, तो उसको उन्होंने वापस क्यों लिया? सर, उन्होंने आरएसएस से भी कई सारे सवाल पूछे हैं। साफ तौर से उनका कहना है जिस तरह मोदी जी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिरा रहे हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है? मोदी जी सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है? जेपी नड्डा के बयान से क्या आरएसएस दुखी है? क्या 75 साल वाला रूल मोदी जी पर लागू नहीं होता? ऐसे तमाम सारे सवाल जो उन्होंने आरएसएस से पूछे हैं, आप इसका क्या जवाब? पहली बात तो यह है, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हुए ही नहीं है, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं है। और मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए ने चुनाव लड़ा है, 293 सीटें जीतकर वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं और 2029 में भी मोदी जी की लीडरशिप में ही चुनाव होगा। लोगों को यह मालूम है कि मोदी जी की लीडरशिप में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो देश के लोगों का मोदी जी में पूरा विश्वास है और दुनिया के आज वो सबसे लोकप्रिय नेता है। पूरे देशवासियों को मोदी जी के ऊपर गर्व है। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को पूछना चाहता हूं कि वो जो अदालत जंतर मंतर पर लगा रहे हैं वो डीडीए फ्लैट्स में जाकर लगाएं, वो गांवों में लगाएं, अनऑथराइज कॉलोनीज में लगाएं, झुग्गियों में लगाएं, जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और जो पानी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है वो जहरीला है, उसको लोग पीकर बीमार हो रहे हैं। आज हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। एक नई बस वो डीटीसी के लिए 9.5 सालों में नहीं खरीद पाए, एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए, एक नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, एक नया स्कूल नहीं खुला, एक नया कॉलेज नहीं खुला। दिल्ली के अंदर 78 पुराने स्कूल्स को बंद कर दिया है। आज पूरी दिल्ली नरक बन गई है। दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर WHO ने घोषित कर दिया है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर अदालत लगा रहे हैं। अगर उनमें थोड़ा भी दम है तो गांव में आके पंचायत लगाएं। सर, आखिरी सवाल है मेरा, जनता की अदालत जो अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर लगाई थी उसमें तमाम सारे नेताओं ने संबोधन किया। अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर संबोधन दिया, मनीष सिसोदिया ने भी संबोधन किया, लेकिन सीएम आतिशी जो है उन्होंने मंच से अपना संबोधन नहीं दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है, मतलब आपके कई सारे नेता कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल वाले जो सीएम है वो दिल्ली में बनाया गया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता ही दे सकते हैं। हम तो बराबर ये बात कह रहे हैं कि आतिशी जो है वो नाम मात्र के लिए मुख्यमंत्री है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने पर अरविंद केजरीवाल पर रोक लगा दी। वो सेक्रेटेरिएट जा नहीं सकते, सरकारी दफ्तर जा नहीं सकते, तो मजबूरी के चलते हुए उन्होंने आतिशी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया है। और पिछले 1.5 साल से आतिशी मंत्री थी, उनके पास सबसे ज़्यादा विभाग थे। लेकिन दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हमारी चिंता है कि दिल्ली की जो स्थिति बहुत खराब हो गई है, दिल्ली को जो नरक बना दिया है, किसी तरह से हम दिल्ली को नरक से निकालें, दिल्ली के लोग सम्मान के साथ दिल्ली में रह सकें, उनको बिजली, पानी, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, अच्छी एजुकेशन, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी सड़कें और लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके, हम इसके लिए निरंतर हम दिल्ली की सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहें और आगे भी हम उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विदोड़ी का यही कहना है कि जिस तरह से भले ही वार पलटवार वाली जो स्थिति है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है, अरविंद केजरीवाल की ओर से आरएसएस को लेकर 5 सवाल पूछे गए हैं, उसका जवाब उन्होंने सिर्फ यही दिया कि अब मोदी जी की उम्र अभी 75 साल की नहीं हुई है और 2029 तक वो जो सरकार वही चलाएंगे। और इसके साथ साथ उनका यही कहना है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जो स्थिति है वो पूरी तरह से नरक बना दी है और सरकार सही से काम करे, यानी दिल्ली की सरकार जो है वो सही से काम करे, इसके लिए उनकी ओर से लगातार जो है प्रेशर वो बनाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।